हेलो हाय माय यूट्यूब फैमिली, और यू ऑल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम तैयार करेंगे ये लहंगा सेट। तो कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लहंगे का प्रॉपर लुक देख लीजिए। जो हमारा फैब्रिक है 8 मीटर फैब्रिक हमने लिया है, उसको अच्छे से आयनिंग कर लिया है। आयनिंग करने का रीज़न ये है कि फैब्रिक में जब मार्केट से हम लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्रीज़ होते हैं, तो वो आयनिंग करके स्टीम आयनिंग करोगे तो क्रीज़ सारे निकल जाते हैं, फैब्रिक टोटली फ्लैट हो जाता है। एंड कटिंग करने में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो प्रॉपर कट कर तैयार होती हैं, तो इसीलिए फैब्रिक को आयनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एज़ यू कैन सी, बॉर्डर जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्रीज थे जो हमने आयनिंग करके निकाले हैं। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि टोटल 16 कली हमें निकालनी है, उस हिसाब से फोल्ड किया है। जितनी वेस्ट है उसको डिवाइड बाई 16 करके वेस्ट निकालनी है। साइड से कट कर रहे हैं, बॉर्डर साथ में नहीं कट करेंगे, क्योंकि बॉर्डर कट करेंगे तो उतना बॉर्डर वेस्ट चला जाएगा, इसलिए साइड से ही बॉर्डर से ऊपर तक ही हम कटिंग कर रहे हैं पैनल्स की। एंड साइड से जो बच जाएगा फैब्रिक वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। आप लोगों के कितने कमेंट्स आते हैं कि वेस्ट ऑफ फैब्रिक है, ये है वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइनर का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है टेलर से, तो किसी भी टेलर के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। उनका काम करने का तरीका अलग होता है और डिज़ाइनर्स का काम करने का तरीका अलग होता है, और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अपने दिमाग से चीज़ें करती हूँ, मैं किसी का सिखाया हुआ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो फैब्रिक साइड से मेरा बच रहा है, इसको मैं एक बेबी आउटफिट बनाने के लिए यूज़ ले लूँगी। एंड इसका मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि बेबी का लहंगा किस तरीके से ये बचे हुए पैनल से हमने तैयार किया है। तो वेस्ट कुछ नहीं होता है, अगर आपके घर में बेबी है तो आप उनको बनाओ, अदरवाइज़ यू कैन गिफ्ट टू अदर बेबीज़। इतने सारे रिलेटिव्स में हैं या फिर आपके नोन में हैं तो आप उनको दे सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं तरह तरह के, बट बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो इस तरीके से हम पैनल्स निकाल देंगे, बाद में इनको स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं, कटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप केयरफुली होके कट करें, इस तरीके से यहाँ तक करना है, आप बॉर्डर तक ना कट करें। एंड ये सिंगल बॉटम हैवी है इसका फैब्रिक का, तो इस वजह से इसका हमने यही कट किया है। आप सारे पैनल्स खोल के मैं आपको दिखाती थी, क्योंकि बॉटम से अटैच्ड हैं और ऊपर से हमें इन्हें अटैच करना है। तो बेसिकली यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे वेस्ट पर जो आता वो कट कर दिया और उसको कट करके निकाल दिया है। तो ओपन करके इसका ये है लुक, और इन्हीं को हमें स्टिच करना है, एक एक करके सारे पैनल्स को साथ में मिला के स्टिच कर देना है। देन उसके बाद कैन लगा देनी है लाइनिंग पर, इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग 3 मीटर लेनी है आपको, उसके ऊपर हाफ में कैन लगा दीजिए। कैसे कैन ऐड करते हैं ये सब मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं शूट करूँगी, सिर्फ मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर हमारे पास ऐसा फैब्रिक आता है तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बचे हुए जो थे उनसे और बचे हुए फैब्रिक से जो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक था बेबी का आउटफिट निकाल के अलग कर दिया था। तो यहाँ पर हम जो ये कटिंग कर रहे हैं ये कर रहे हैं स्लीव्स के लिए, एंड स्लीव पर हमने हैवी एम्ब्रॉयडरी ले ली है, यानी कि बॉर्डर जो रखेंगे हम इस तरीके से रखेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है वो 10 इंचेस अराउंड पड़ेगा, जो बॉर्डर है हमारा 10 इंच का है, तो 11 पर हमने उसको कट करके कर दिया है। यहाँ आपसे 8 रख देंगे और बाद में इसकी फिटिंग ले लेंगे। फिटिंग में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो उस तरीके से इसकी स्लीव्स भी कट कर देंगे। और स्लीव्स कट करने के बाद हम इसका ब्लाउज़ रेडी करेंगे। इसके साथ दुपट्टा मैंने पेयर किया है नेट में, एंड वो हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उस कलर का दुपट्टा लिया है, क्योंकि सेम कलर का दुपट्टा हो जाता तो सारा सेम कलर का आउटफिट हो जाता, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लुक देना था, इसी वजह से मैंने इसका दुपट्टा चेंज कर दिया है। दुपट्टा नेट का है और उस पर हमने हैवी सीक्वेंस की बॉर्डर ऐड कर दी है। जो बॉर्डर है उस पर फ्लावर्स बने हुए हैं सीक्वेंस की, वो आपको बाद में वीडियोस में मैं दिखा दूंगी। तो इस तरीके से स्लीव्स कट कर ली हैं, ओपन होकर स्लीव का ये लुक है। बॉटम से हम इसको फोल्ड कर देंगे एंड ऊपर से जो आ रहा है ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। यहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं नेट। आप लोगों को लग रहा होगा ये वाइट क्या है, तो मैंने लाइनिंग के ऊपर पेपर फ्यूजिंग लगा दी है। ब्लाउजेज में मोस्टली पेपर फ्यूजिंग बनाती हूँ, जो नेक वगैरह डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। तो इस तरीके से जो शेप आपको बनानी है वो बना दीजिए, और इस तरीके से दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, उसको शेप दे दीजिए। एंड शेप देने के बाद हमें इसको स्टिच करना है, कट करना है एंड फ्लिप करना है। तो दैट्स हाउ आई डिज़ाइन माई नेक इन एनी आउटफिट। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ 2 हैंड्स आपको स्टिचिंग करनी है,
एंड बहुत फिनिशिंग के साथ करनी है, क्योंकि नेक है हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वी नीड टू कट द एक्स्ट्रा पार्ट। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करने के बाद हम हल्का हल्का सा कट डाल देंगे और उसको फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करने के बाद आपको नेक का शेप मैं दिखा देती हूँ। तो नेक का शेप प्रॉपर रखने के लिए बाहर से भी आप एक स्टिच लगा सकते हो या फिर आयन करके उसको बिठा सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना प्रेफर करोगे। मैं मोस्टली आयनिंग करती हूँ, बट यहाँ पर नेक की फिनिशिंग मुझे अभी दिखानी है, तो इसलिए मैंने स्टिच करके आपको फाइनल लुक दिखा दिया है नेक का। अब नेक के बाद हम साइड में स्लीव्स जोड़ देंगे। इस तरीके से स्लीव्स रखें। स्लीव्स में मैंने लाइनिंग नहीं यूज़ करी है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है और ये हमारा स्टिचिंग इसकी खुलने वाली है नहीं। तो मिडल में रख के इसको पहले लेफ़्ट साइड की तरफ स्टिच करेंगे, देन उसके बाद राइट साइड में स्टिच करेंगे। एंड एक चीज़ और मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि जब हम स्लीव्स कट करते हैं तो फ्रंट से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा जो रहता है उसको कट कर देते हैं। आर्म होल एरिया की मैं बात कर रही हूँ। एंड सेम हम ब्लाउज़ के साथ भी करते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, चूँकि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। पुरानी वीडियोस में आपको मेरा ये प्रोसेस मिल जाएगा। इस तरीके से ये वाली स्लीव हाफ अटैच हो चुकी है। नाउ आई एम अटैचिंग अदर हाफ पार्ट ऑफ दिस स्लीव। और इसको स्टिच करने के बाद हम जाएंगे दूसरी स्लीव पर, क्योंकि हमें उसको भी सेम तरीके से स्टिच करना है। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट जब आता है हमारा, तो ब्लाउज़ ऊपर रहता है एंड स्लीव्स नीचे रहती है। एंड जब हम अदर हाफ कर रहे थे इससे पहले, तो हमारा ब्लाउज़ नीचे था, स्लीव ऊपर थी। तो इस तरीके से आपको मिडिल पॉइंट निकाल कर इसको स्टिच करना है, सो दैट आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का बराबर रहे। गाइस, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है मेरा, तो मैंने बेसिक कोर्स अपना लॉन्च किया है, बेसिक से एडवांस कोर्स है वो लॉन्च किया है, और एक पैटर्न मेकिंग कोर्स है वो लॉन्च किया है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी एक पर्टिकुलर कोर्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मेरी बायो में मेंशन है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। एंड इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से ये देखिए हमारे ब्लाउज़ का लुक तैयार हो चुका है। अब रह गई हमारी फिटिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फिटिंग लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्री साइज़ हमने ब्लाउज़ रेडी किया है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो ये लहंगा चाहिए वो फ्री साइज़ में चाहिए, क्योंकि उनको रेंट आउट करना होता है। तो इस वजह से हमने बिग साइज़ तैयार किया है, अंदर मार्जिन भी काफ़ी सारा रखा है, सो दैट जब भी उनका रेंट पर जाए तो साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिट करा सकें। तो इस हिसाब से हमने मार्जिन भी 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है, एंड इसको तैयार भी 44 साइज़ में किया है। तो इस तरीके से इसका एक एंड यहाँ पर हमने स्टिच करके तैयार कर दिया है। दूसरे साइड में स्लीव ऐड करके, स्टिच करके, फिटिंग करके हम ज़िप ऐड कर देंगे। तो आप स्लीव का लुक देख लीजिए, कितना प्यारा सा लुक आया है स्लीव का। और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। ये जो वर्क है इस पर सीक्वेंस थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एंड साथ में सीक्वेंस डले हुए हैं बीच बीच में, तो जो आउटफिट है उसको डिफरेंट लुक दे रहे हैं। अब लहंगा वगैरह हमारा सब तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं टेसल। एक फोल्ड के साथ स्क्वायर में हमने फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर हम दूसरा फैब्रिक है शैंडून, जिसको पीसेस में कट कर रहे हैं। पीसेस में कट करने के बाद इसकी हम उसमें स्टिच करने के बाद फिलिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं, एक साइड ओपन रखेंगे क्योंकि यहीं से हमको फिलिंग करनी है। तो वन साइड ओपन है, इसमें हमने फिलिंग कर दी है, जो कि हमारा शैंडून फैब्रिक था, उसके छोटे छोटे पीसेस कट करके। और ये एक छोटा सा पिलो तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमने टोटल 4 पिलो तैयार करने हैं, दो डिफरेंट साइज़ के। और जो ओपन एंड है उसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद जो बाकी के 3 साइड रह जाएंगे उसमें भी ऊपर से स्टिच लगा देंगे। रीज़न बीइंग, 1 साइड हमारा बाहर से स्टिच है, बाकी सारे अंदर से स्टिच है, तो बाहर से भी स्टिच लगाकर प्रॉपर बराबर लुक दे देंगे। पूरा पिलो हमारा तैयार हो जाएगा। इसको पिलो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिलो बनाने का प्रोसेस भी सेम है। इस तरीके से स्टिच बाहर की तरफ लगाने के बाद हमारे 4 पीसेस हमें इसी तरीके रेडी करने हैं, के साथ 2 टेसल तैयार करनी है, क्योंकि लहंगा में टेसल लगा रहे हैं हाँ, तो एक लेफ़्ट साइड पार्ट के लिए, एक राइट साइड पार्ट के लिए रहेंगे। तो ये हमारे 2 पिलो रेडी हो चुके हैं। अब इनको साथ में हमने इस तरीके की शेप में रखना है, और इनको बीच में किसी पर्ल की हेल्प से अटैच करना है। तो यहाँ पर कुछ पर्ल्स हैं जो मैंने ले लिए हैं, इनको अटैच कर रही हूँ मैं। 2 छोटे पर्ल्स लगाने हैं, देन उसके बाद एक बड़ा डाल देंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा, फिर 2 छोटे, फिर इस तरीके से हमने 2
बड़े ऐड कर दिए हैं छोटे के कॉम्बिनेशन के साथ। तो साथ में हमने जो नीचे का पिलो है उसको भी ऐड कर दिया है और इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग में हमारी टेसल दिखना स्टार्ट हो गई है। साइड में फैब्रिक का ट्रायंगल शेप में भी हम लगा देंगे। यहाँ नीचे अभी हम मार्केट से परचेज़ किया हुआ एक हैंडमेड टेसल है उसको ऐड कर दिया है, बिल्कुल बॉटम पे रहेगा ये। थोड़ा सा हैवी है ताकि इसकी वजह से फॉल अच्छा आए, वरना ये बहुत लाइट वेटेड रहेगा, इसीलिए इसमें हमने थोड़ा सा हैवी सा ही लगा दिया है। साइड में अभी हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इस तरीके से फैब्रिक के टेसल्स बना के हमने साइड में जो कॉर्नर्स हैं उन पर ऐड कर दिया है और इस तरीके से स्टिच कर दिए हैं। तो ये फैब्रिक की टेसल आप सबको बनाना आता ही है, तो जो साइड के कॉर्नर्स थे उन पर हमने सुई की हेल्प से इनको स्टिच कर दिया है। और फाइनल लुक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दुपट्टा है और लहंगा हमारा ये है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लहंगा कैसा लगा एंड बनाने का तरीका कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हैं। चलिए लहंगा तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले भी, बट बेबी का दिखा देते हैं। बचे हुए जो पैनल्स थे उससे हमने इस तरीके से बेबी का लहंगा तैयार कर लिया एंड थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक बचा था तो उससे ब्लाउज़ तैयार कर लिया था। कैसा लगा मेरा ये आइडिया? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।